मुरैना कोतवाली थाना इलाके के इस्लामपुरा बस्ती में गजराज राठौर के मकान में दोपहर 12 बजे लगभग भयानक विस्फोट हुआ, जिससे पूरा मकान धराशायी हो गया। यही नहीं, आसपास के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए और उसमें 300 मीटर की दूरी तक के मकानों में दरारें आई, कांच चटकने से क्षति हुई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जमील खान दिवाली पर पटाखा का काम करता था, जो पटाखे यहाँ पर बनाए जाते हैं। ये हादसा विस्फोट पदार्थों के कारण हुआ है। 8 घंटे से चल रहे रेस्क्यू के बाद भी पुलिस ये निर्णय नहीं ले पाई है कि हादसे का वास्तविक कारण आखिर क्या है। वहीं पुलिस कप्तान समीर सौरभ ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि यह विस्फोट गैस सिलेंडर फटने से हुआ है, ना कि विस्फोटक पदार्थ से। क्या नाम है आपका? राकेश जी, आज आपके मोहल्ले में जो विस्फोट हुआ है, ये विस्फोट कैसे हुआ है? ये भाई साहब, यह तो ये पटाखे का जो काम करता होगा, बारूद वगैरह, क्योंकि सिलेंडर का इतना बड़ा हादसा हुआ था कि 2-2 किलोमीटर इसकी आवाज़ और कांच टूटे गए हैं, मतलब अपने आप गिर गए कांच। यह तो ये बारूद वगैरह का काम करता है, और पहले भी इसकी सुनी गई है कि इस्लामपुरा पहले पोखर पर रहता था, वहाँ ही पटाखे बनाता था ये मुसलमान। बता रहे हैं कि मुरैना पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तो बताया गया है कि ये सिलेंडर से विस्फोट होना बताया जा रहा है। सिलेंडर का इतना बड़ा विस्फोट तो नहीं हो सकता है, अगर वो कह रहे हैं तो उनको कोई ना कोई कुछ मिला होगा तो बताएं। आपने इस तरीके के हादसे कभी देखे हैं? नहीं, पहली बार देखा। सिलेंडर फटने से इस तरीके के हादसे फटने का तो हमने अभी तक ऐसा कोई नहीं देखा हादसा। अमीर गया सिलेंडर के 2-2 किलोमीटर तक इतने हादसे नहीं होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप कि सिलेंडर का हादसा नहीं है? नहीं नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं। जैसा कुछ मीडिया आउटलेट द्वारा पटाखा फटने की बात कही गई थी, वैसा कोई अहम नहीं है। प्रथम दृष्टिया तो अभी तक सिलेंडर विस्फोट वाली ही अभी तक नहीं देख पा रहा हूँ साहब, तो इसकी विस्तार से भी जांच कराएंगे। हमारा मेन फोकस जो दो लोगों की बॉडी अंदर अभी दबी हुई बताई जा रही है, उसको यथाशीघ्र निकालना है। मुझे लग रहा है 1.5 से 2 घंटा अभी कम से कम और चलेगा ऑपरेशन, क्योंकि बनवा ज़्यादा है, उसके बाद ही फिर हम लोग बॉडी लोगों की अभी हम लोग को अंदर 3 सिलेंडर मिले और जो फॉरेंसिक टीम है उनसे मेरी बात हुई, तो उनका कहना है कि जब सिलेंडर मान लें अगर फॉल्टी है और उसके नॉजल अगर ठीक करता है